नमस्कार मित्रों, मैं मित्र स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें हम ये जानेंगे कि बांसुरी में स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल जड़ से और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, और जो जो सीखना है उसकी वीडियोज़ पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और उससे पहले भी सोचना ये है कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आप बांसुरी सीखना चाहते हैं, दिल से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पास व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और फिर पता कीजिए कि आप कैसे बांसुरी सीख सकते हैं। हमसे ऑनलाइन क्लास करिए, उसमें हम आपकी पर्सनली मॉनिटरिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत आपको कहाँ से करनी है। सबसे पहले जैसे आपको फूक लगाना आ गया, बांसुरी होल्ड करना आ गया, उसकी वीडियोज़ हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको सरगमों का रियाज करना चाहिए। लगभग 15-20 दिन सारेगामा पादानेसा, सिर्फ एक ही सरगम उसी का रियाज कीजिए, और जब वो ठीक बजने लग जाए तब लॉन्ग नोट का रियाज कीजिए तानपुरे के साथ। साकू लगभग आधा घंटा लगाइए, रेकू आधा घंटा लगाइए, ऐसे ऐसे करके लॉन्ग नोट का रियाज करना चाहिए। लॉन्ग नोट को आपने ऐसा नहीं है कि फिर आपने कुछ दिन रियाज किया, ये आपका परमानेंट रियाज है। चाहे आप कितने भी बड़े उस्ताद हो जाएं, लेकिन आपको रोज स्वर साधना सीखना है तानपुरे के साथ। जब आपको वो भी आ जाए तब आप लगभग 10-12 सरगमें सीखिए और उसको रिदम के साथ बजाना शुरू कीजिए। और कैसे, सारी शुद्ध सरगमें रिदम के साथ 100 BPM से 300 BPM तक उनको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल शुद्धता के साथ। जब वो भी हो जाए तो तब आप शुद्ध सरगमों में ही दो चार गाने सीखें। और ये देखिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं जो हमसे पर्सनली क्लास ले रहे हैं, अभी हम उनको ये नहीं बता रहे हैं, वो ये सब मत करना। उनको हम पर्सनली हम सिखाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे, लेकिन वो ये मत समझना कि आपने ऐसा ही रियाज करना है। ये उनके लिए है जो वीडियोस के माध्यम से हमसे सीखते हैं। तो उसके बाद जब आप ये भी बजाना सीख जाएंगे कुछ सरगमें, उसके बाद कुछ गाने आ जाएंगे आपको, 3-4 गाने शुद्ध सरगमों में, तब आप थाटों का रियाज करना शुरू कर लीजिए। 10 थाट हैं तो स्टेप बाय स्टेप पहले 2-3 थाट का बहुत अच्छी तरीके से रियाज कीजिए, वो भी बताया हुआ है। फिर उसके बाद अब मीन की प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़रूरी चीज़ मीन। उसके बाद जब मीन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए उसको रिदम के साथ बजाना सीखिए। उसके बाद उस पर गमक की प्रैक्टिस कीजिए, जब गमक भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए तो रागों में गमक और मीन का यूज, सरगम में गमक और मीन का यूज के साथ इसको बजाइए। और बाकी कर्ण स्वर, खटका, मुरकी, ये सारी चीज़ें अपने आप ही आसानी से आ जाती हैं, इसके लिए अलग से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोई इतना ज़रूरत नहीं है। बस आप सरगमों का रियाज कीजिए। राग आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है राग। और राग में भी सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक बंदी सीखी आपको पूरा राग आ गया। पहले राग सीखिए, रागों में बहुत अच्छी मेहनत कीजिए और एक ही राग की लगभग 4-5-6 ऐसी बंदी से सीखें कम से कम। उसके बाद उससे रिलेटेड लगभग 4-5 गाने जो कि शुद्ध व्याकरण के सहित आपको समझ में भी आए कि आखिर ये राग से कैसे बना हुआ है ये गाना। उसके बाद ऐसे ही लगभग आपको 15-20 राग, मतलब जो आजकल चलते हैं और बहुत फेमस राग हैं, लगभग 20 राग अगर आपको आ गए तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, राग क्यों इतना इम्पोर्टेंट कह रहे हैं हम राग, और इसके बाद इसमें आलाप तान कैसे लगाते हैं वो सब बताया हुआ है अभी शायद। हाँ, आलाप का बताया हुआ है, लेकिन ताने कैसे लगते हैं वो नहीं बताया हुआ है। लेकिन जितना कुछ भी ये सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है ये, और रागों पे विशेष ध्यान देना है। एक राग की लगभग 3-4 बंदी से सीखने के बाद उसके ऊपर से उसके 3-4 गाने भी सीखने हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कुछ थोड़ा बहुत। बाकी ऐसा है कि देखिए, अगर आप 1000 गाने रियाज करेंगे तो आपको कम से कम 10 साल लगेंगे, अगर आप उनके सरगम के सहित उनको रियाज करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे तो लगभग 10 साल। तो उससे कई हज़ार गुना बढ़िया है कि आप एक राग को 6 महीने बहुत तन मन धन से उस पर उसकी बंदिश से सीख करके, उसकी बंदिशों को प्रैक्टिस करके, और विलंबित लय की बंदिशें और मध्य लय की बंदिशें, द्रुत लय की बंदिशें सीखने के बाद, उसमें आलापचारी कैसे करते हैं, उसमें ताने कैसे बनाते हैं, ये सब सीखने के बाद, उसमें लगभग 5-6 गाने व्याकरण सहित सीखने के बाद, तब जाके वो लगभग 6 महीने में आपका एक राग बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा अंदाजन। इसमें किसी का टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, किसी का टाइम कम भी लग सकता है। ये सीखने के बाद आप जाने अनजाने में जो आपने 1000 गाने का रियाज 10 साल में क्या करना था, वो आप 1000 गाने सिर्फ एक राग सीख करके उससे रिलेटेड 1000 गाने बजा सकते हैं जाने अनजाने में, सिर्फ 6 महीने में वो प्रोग्रेस हो जाएगी।
और जितना आप एक राग में 6 महीने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उतना 2 महीने उस राग से रिलेटेड थाट की प्रैक्टिस और उसका जो आरोह और अवरोह है उस राग का, वो सरगम के सहित बहुत अच्छी तरीके से रियाज कर लीजिए, तो आपको जो 6 महीने में आने वाला राग होगा वो 4 महीने में ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप गमक, मीन, खटका, मुर्गी इसको सीखते हुए तब आप उसको राग में इम्प्लीमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है कि सरगमों का सबसे ज़्यादा रियाज करें। सरगमों में गमक के साथ सरगम का रियाज करना, विध रिदम, मीण का रियाज करना सरगम के साथ वो भी रिदम में, तानपुरे के साथ ये लॉन्ग नोट का रियाज आपने ये तो हमेशा ज़िंदगी भर ही करना है, भले ही पहले आप एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटे तक करते हों, बाद में भले ही आधा घंटा हो जाए, लेकिन आपको रोज़ करना है लॉन्ग नोट का रियाज। तो इस प्रकार से आप चलिए और फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप हमसे कमेंट में संपर्क कीजिए या आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं कि इसके बाद आखिर सीखना क्या है, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अपना रियाज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।